नंबर वन बैट्समैन आपका, नंबर वन बॉलर आपका, 50 की एवरेज के ओपनर्स आपके, इंजरी के बाद आने के बाद सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट्स लेने वाला बॉलर आपका, लेकिन यूएसए की टीम आपको मार के गई है, आपको बता के गई है कि तुम सारे सेल्फिश लोगों का एक टोला हो आप, हम तो यूएसए के प्लेयर नहीं है फिर भी उसकी टीम को जितवा दिया है, आप तो पेट्रियोटिज्म का टैग लेके आते हो कि हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, ठीक है, ये टैग लेके आते हो आप कि हम तो पाकिस्तानी हम तो एंड तक लड़े, एंड तक जिस मोहम्मद आमिर ने आपको आखिरी मैच बनाया आपका, जिस मोहम्मद आमिर पे बाबर आजम थूकते थे लिटरली, मैं आज मुझे गुस्सा आया आज मैं बोलूंगा भाई, उस मोहम्मद आमिर ने आपको मैच ऊपर ओवर तक लेके गए, और एंड में बाबर संत उसी को गालियां दे रहे हैं जो आपके किंग बाबर ने, जो रोज उठते हैं रोज नहाते हैं और फिर आपको पता आगे क्या करते हैं, 43 बॉल्स पे 44 किए, ये डिसग्रेस है T20 क्रिकेट को, ये बंदा मैं पहले कहता था भाई प्लेयर सही है कैप्टन बुरा प्लेयर, क्या प्लेयर भाई, पिच देखो 30 बॉलों तक आपके वर्ल्ड क्लास से बॉल मिडल नहीं हो रही है, उसके बाद 40 बॉल लग गए स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर लेके जाने का, किस जमाने की T20 क्रिकेट खेल रहे हो आप पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों का हक मार के टीम में आए हुए हो, जिम्बाब्वे से आप हारे, अफगानिस्तान से आप हारे, आज आप यूएसए से भी हार गए यार, ये फाड़ देता हूं मैं, ये लो भाई बाबर आजम को फाड़ दिया मैंने, आगे बोलो, मैं करता हूँ ना हेड बाबर आजम को, ठीक है मैं करता हूँ हेड बाबर आजम को, तो बाबर आजम को चाहिए कि 2022 वर्ल्ड कप आप हारे, आपने कुछ नहीं किया, जिम्बाब्वे आपको मार के गई, ठीक है बाबर ने कुछ नहीं किया, एशिया कप कुछ नहीं किया, श्रीलंका फाइनल में मार के गई आपको, 2023 वर्ल्ड कप एशिया कप कुछ नहीं किया बाबर आजम ने, ना आपकी टीम ने किया, तो कुछ करके अपने हेटर्स का मुंह बंद करवा दे भाई, कुछ करके हेटर्स का मुंह बंद करवा दो आप यार, आपकी बॉलिंग को जो आप बता रहे हो इस 200 रन वाली पिच के ऊपर 160, ये रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं हो रही है कि यूएसए की टीम चेज नहीं कर सकती है, जब पिच ही 200 वाली है और 160 आपके बॉलर्स ने कंटेन किया, और हारिस रऊफ पहले पिछले वर्ल्ड कप में पहले मैच में 2 छक्के खा लिए, हमें बताया कि हारिस रऊफ जी नंबर वन बॉलर है, ये नंबर वन है, वो तो विराट कोहली ने मारा था, आज एरन जोन्स और दूसरे ने भी आपको बता दिया कि विराट कोहली ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया था, विराट कोहली ने एवरेज गेम खेली थी, विराट कोहली ने अपनी एवरेज गेम खेल के वो 2 छक्के मारे थे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत ही नहीं थी, बॉलिंग कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ही नहीं रही थी जो कुछ करने की जरूरत हो यार, पूरी टीम आपकी A to Z फारिग, शताब खान का यार वो इफ्तिखार चाचू 3 साल से टीम में पता नहीं अंडे बेचने बैठे हुए हैं, कर क्या रहे हैं वो, किस किस बेस पे टीम पे है वो बंदा यार, फुल टॉस बाबर आजम अगर इतना वर्ल्ड नंबर वन प्लेयर तो आज खुद ही आते, और मैं सीरियस बात बता रहा हूँ यार आपको, मैं बेशक बाबर को गालियां दे रहा हूँ जो भी है, वो फुल टॉस जिसपे इफ्तिखार अहमद कैच पकड़ा के गया उस पर बाबर आजम छक्का मारता, मैं देखता हूँ वैसे नहीं मारता, उस पर बाबर आजम छक्का मारते लेकिन आए नहीं, डर ही इतना है भाई,